Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now students, we will learn about the concept force on a current carrying conductor in a magnetic field. इसमें exactly होगा क्या? एक ऑलरेडी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो एक हॉर्स शू मैग्नेट रखा गया है, ठीक है, और इसके बीच में हम एक कंडक्टर को रखेंगे, एक स्ट्रेट वायर को रखेंगे, ठीक है। उस स्ट्रेट वायर को हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और बैटरी से करंट पास होगी इस स्ट्रेट वायर में, ओके। तो जब करंट पास होगी इस स्ट्रेट वायर से जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, तो इस वायर पे एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसे लगता है, किस तरह से लगता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो आप इस एनिमेशन में देखो जो सेटअप है वो पहले है, एक हॉर्सशू मैग्नेट लिया है जिसके नॉर्थ एंड साउथ पोल आपको दिख रहे हैं, एंड देन बीच में एक वायर को सस्पेंड किया है, एक्सटर्नल सर्किट में बैटरी से इसको कनेक्ट किया गया है, बीच में यहाँ पे एक कंटेनर रखा है जिसमें मरकुरी है, ठीक है, मरकुरी जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बैटरी की जो वायर है उसका एक एंड जो है मरकुरी को टच कर रहा है, ऐसे ही जो स्ट्रेट वायर हमने सस्पेंड किया है वो भी मरकुरी को टच कर रहा है अभी, मतलब सर्किट पूरा कंप्लीट है। तो करंट पास जब होगी तो पूरे सर्किट में ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो करंट जब ट्रैवल करेगी तो क्या होता है, ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ठीक है, तो उसके ऑपोजिट जस्ट क्या होगी, करंट भी वहां पे ट्रैवल करेगी। देखिए इस वायर पे फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो मूव किया, राइट। तो ऐसा क्यों होता है कि फोर्स लगता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके लिए थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। उस सेटअप के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये है आपकी एक्सपेरिमेंटल वायर, ठीक है, जिसपे फोर्स लग रहा था। ये है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट रखा हुआ है, करेक्ट। ये बैटरी से हम करंट पास कर रहे हैं जो कि वायर के थ्रू पास होगी। ये कंटेनर रखा है जिसमें मरकुरी है और बैटरी से जो कनेक्टिंग वायर आ रहा है उस पर टच कर रहा है, ओके। और इनिशियली जो ये वायर है वो भी इस मरकुरी को टच करेगी, तो सर्किट पूरी कंप्लीट रहती है और जैसे ही करंट ट्रेवल होती है, ठीक है, तो इस वायर पे एक फोर्स लगता है। ये फोर्स क्यों लगता है, क्योंकि जो वायर है उसमें जो करंट आई उसके कारण एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है और आपको मालूम है कि स्ट्रेट वायर के थ्रू जब हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरैक्ट करते हैं और एक फोर्स लगाते हैं इस वायर पे, जिससे ये वायर मूव कर जाती है। अब वो मूव कर जाती है वायर तो क्या होता है, मरकुरी से अलग हो जाती है तो करंट उसमें जानी स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो अब उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो वो वापस अपनी जगह पे आती है, लेकिन फिर वापस आने पे क्या होता है, मरकुरी से उसका कनेक्शन हो जाता है, करंट फिर पास होने लगती है और उसको फिर से एक फोर्स लगता है और फिर दूर चला जाता है वायर, फिर करंट का स्टॉप हो जाता है क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गई है वहां पे, फिर वापस वो वायर पीछे आ जाएगी, ठीक है, फिर कनेक्शन सेटअप हो जाएगा और फिर फोर्स लगेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को वैसे किक वायर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ऐसा लगता है जैसे उस वायर पे किक पड़ रही है और बार बार वो मूव कर रही है, ठीक है। तो मेनली वायर से पास होने वाले करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और ऑलरेडी जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बनाई है उसके बीच में इंटरैक्शन होता है जिसकी वजह से इस वायर पे फोर्स लगता है और ये वायर मूव करती है, ठीक है। हम और समझेंगे इसमें क्या होता है, तो उसी को एक रिकैप के फॉर्म में देखते हैं क्या क्या हमने अभी समझा। When a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, a force is exerted on the conductor which makes it move. ठीक है ना, current carrying conductor होना चाहिए, मतलब उस conductor से current पास होनी चाहिए, उसको कहाँ रखा है हमने, external magnetic field में रखा हुआ है, तब क्या होगा, उस पर एक force लगेगा जिसके कारण वो move करेगा। और खास बात है, the direction of force can be reversed
ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। इस एक्सपेरिमेंट अगर आप ऐसा करोगे, जो करंट की डायरेक्शन है, बैटरी के टर्मिनल्स हम चेंज कर देंगे, कनेक्टिंग वायर्स को हम चेंज कर देंगे, और करंट की डायरेक्शन को अगर रिवर्स कर देंगे, तो आप पाओगे जो वायर ऐसे मूव कर रही थी अब ऑपोजिट मूव करेगी, मतलब उस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, और खास बात क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड या जो वायर है या कंडक्टर है इज द लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो वायर हमने इस तरह से सस्पेंड की थी, इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा अगर इस वायर से या रॉड से पास होने वाली करंट और मैग्नेटिक फील्ड इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, मतलब जस्ट परपेंडिकुलर है। अगर फील्ड ऐसे है, ठीक है, और करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो इस वायर पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अगर ये तिरछा है, डिफरेंट एंगल है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो फोर्स जो है मैक्सिमम आएगा और वायर मैक्सिमम डिस्प्लेस करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड।